हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सी एंटर वाले बच्चे आप भी कंफ्यूज चल रहे हैं। एक दो दिन पहले ही मैंने एक जीरो कंफ्यूजन वीडियो आप लोगों के लिए लॉन्च किया था। उसमें मैंने आपके बहुत सारे कंफ्यूजन्स थे, मैंने वो सारे के सारे कंफ्यूजन्स दूर करने की कोशिश की। बहुत सारे कंफ्यूजन थे और मैक्सिमम कंफ्यूजन ओल्ड से न्यू कोर्स वाले बच्चों के ही आ रहे हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो जरूर देखना, क्योंकि वो एक जीरो कंफ्यूजन बैच को लेकर और जीरो कंफ्यूजन कैसे क्या करना है वो सब मैंने पूरा दिया है। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको वो वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया था। ये भी बता दिया कि भाई रेगुलर किसको लेना चाहिए और एग्जाम ओरिएंटेड किसको लेना चाहिए। भाई साहब उसके बाद भी बच्चे, मतलब सर वो वीडियो देख लिया है पर उसके बाद भी ना मुझे आपसे बात करनी है। यार समझने की कोशिश करो, हर एक स्टूडेंट से बात करूंगा तो मैं आप लोगों के लिए ये रिकॉर्ड कब करूंगा। ठीक है, चलो मैं फिर भी शॉर्ट में कुछ और भी कुछ नए कंफ्यूजन्स जो अभी पैदा हुए हैं उनको अच्छे से बताना चाहता हूं, ईओ बैच के बारे में और बाकी सब चीजों के बारे में, रिलेटेड चीजों के बारे में। सबसे पहले कंफ्यूजन, सर रेगुलर करें कि एग्जाम ओरिएंटेड। बेटा एक सिंपल सा थंब रूल मैंने आपको दे दिया है, अगर सिंगल ग्रुप कर रहे हो और एडवांस अकाउंट्स में 0%, 5%, 10%, मैक्सिमम 20% तक का कॉन्फिडेंस है, 20% से ऊपर कुछ नहीं है, मतलब मैक्सिमम चीजें तुम्हें नहीं आती तो फिर रेगुलर करो। अगर रेगुलर करते हो और मेरे ही पुराने स्टूडेंट हो तो कन्वर्जन डिस्काउंट मिल जाएगा अच्छा खासा, तकरीबन 6000 के आसपास का पड़ जाएगा। ठीक है, बाकी सारे केसेस में ईओ करो। इवन अगर आपका अकाउंट्स हो चुका है, एडवांस अकाउंट्स आपने नहीं किया कभी, सिर्फ अकाउंट्स किया है तो भी ईओ करो। दोनों ग्रुप पे जा रहे हो तो भी ईओ करो। सिर्फ एडवांस अकाउंट्स में कॉन्फिडेंस था, ग्रुप टू में अकाउंट्स भूल गए थे तो भी ईओ करो। तो रेगुलर का मैंने बस बता दिया आपको कि कब करना चाहिए, जीरो कॉन्फिडेंस एंड गोइंग फॉर सिंगल ग्रुप, ये दोनों कंडीशन एंड में है, प्लस है, अलग अलग नहीं है। ठीक है, चलो दूसरा, सर ईओ के अंदर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाओगे कि नहीं। कैसी बातें करते हो बेटा, 6000 रुपए ले रहा हूं आपसे, हैं रिवीजन करवा के छोड़ दूंगा अपने जय सर को, मतलब तुमने ऐसा समझा है। हाँ मैं दिखाता हूं तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस कितनी करवाई जाती है, हैरान हो जाओगे और ना कुछ लोगों की तो हवाएं उड़ सकती हैं। ध्यान से देखना, ये है कंसोलिडेशन के हमारे नोट्स, ये कंसोलिडेशन के नोट्स हैं। इन नोट्स के अंदर ना एक बार ध्यान से देख लो कितने क्वेश्चंस हैं कंसोलिडेशन के। 37 तो मेरे एग्जांपल्स हैं जो बिल्कुल ही आईसीआई के क्वेश्चंस के कॉपीड हैं, बस फिगर्स अलग हैं कंसेप्ट समझाने के लिए। फिर अलग अलग कॉन्सेप्ट्स पर 6, 3, 7, 2, 3, 5 ऐसे क्वेश्चंस हैं। फिर अलग से होमवर्क लेवल क्वेश्चंस हैं 4, 5, 9, 3, 1। भाई साहब इतने सारे क्वेश्चंस नोट्स में हैं। ठीक है, उसके बाद अब मैं तुम्हें दिखाता हूं कि मैंने कितने करवाए, ये भी तो तुम्हें पता चलना चाहिए ना। सर ये तो नोट्स में आपने दे दिए, हो सकता है आपने बोल दिया भाई खुद कर लो, नहीं। अब ये मेरे नोट्स है, ये कंसोलिडेशन के नोट्स है, कंसोलिडेशन का चैप्टर हो चुका है ईओ में। ये नोट्स के आप ध्यान से देखो, मैं ऐसे आपको कंप्लीट तो दिखाऊंगा पर आप ध्यान से देखो, कुल मिला के 105 पेजेस भर चुके हैं, 105 पेजेस भर चुका हूं मैं कंसोलिडेशन में। तो अगर मैं आपको ध्यान से दिखाऊं, ये देखिए क्वेश्चन सॉल्व करवाया भाई मैंने, ये मैंने कॉन्सेप्ट बताया, फिर मैंने कॉन्सेप्ट अगेन, मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाया, ये मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाया, ये मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराया, ये मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराया, क्वेश्चन सॉल्व। भाई साहब ये क्वेश्चन सॉल्व, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व, ये क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन नहीं सॉल्व कराऊंगा तो आपका कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाऊंगा ईओ में। बच्चों के कमेंट हैं, बच्चों के लाइव बैच में बच्चों के कमेंट हैं कि सर इतना तो रेगुलर में कोई नहीं पढ़ाता जितना आपने ईओ में पढ़ा दिया है, और वो सिर्फ इस चैप्टर के साथ नहीं, हर चैप्टर के अंदर आपको फील ही नहीं आएगा कि यार सर ने ना कुछ छुड़वा दिया, कुछ कम करवाया, बिल्कुल फील नहीं आएगा। ठीक है, तो ये एक डाउट मैंने आपको क्लियर कर दिया, भर भर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाँ ये भी है, मैं आपको ये भी बोलूंगा एट द सेम टाइम, अगर मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं तो उतनी ड्यूटी आपके ऊपर भी डाल रहा हूं। हाँ ऐसा नहीं कि स्पून फीडिंग बस मैं ही करवाऊंगा तुम कुछ नहीं करोगे, तुम्हें भी करना पड़ेगा, और उसके लिए तुम्हें करने के लिए मैं बहुत सारी जगह पर ये जैसे इस तरीके से क्यूआर कोड दे रहा हूं मेरी किताबों के अंदर, तो क्यूआर कोड को स्कैन करोगे अपने मोबाइल से किसी भी स्कैनर ऐप से, इसके सोल्यूशन तुम्हें फ्री मिल जाएंगे। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जहां पर मैं क्यूआर कोड है तो मैं बोल रहा हूं बेटा ये खुद कर लेना, क्योंकि नॉन क्यूआर कोड वाले क्वेश्चन करवाने की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं जो कि थोड़े हाई लेवल के हैं। तो क्यूआर कोड वाले मैं बोल रहा हूं आप करो, क्योंकि कहीं पे भी अटकोगे तो मैं तो बैठा हूं क्यूआर कोड के अंदर। ठीक है, चलो सर ईओ में किताबें आएंगी क्या, सर वो किताबें कौन सी आएंगी, सर ईओ के अंदर रेगुलर वाली किताबें आएंगी। हां जी मेरी किताबें रेगुलर और ईओ में सेम आती है। दिखा देता हूं फिर भी आपको कौन कौन सी किताबें मिलेगी। आपको मिलेंगी एडवांस अकाउंट्स की, जाए 2 वॉल्यूम मिलेगी, सेपरेटली सेल होती है पर आपको कोर्स के साथ मिलती है। ठीक है ना, एडवांस अकाउंट्स की जाए, इसके ये सारे फीचर्स हैं, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा सब फीचर्स, आराम से बैठ के पढ़ लेना, क्यूआर कोड वगैरह सब है।
एएस ट्रंप बुक आपको मिलेगी 3 वॉल्यूम में, और इसके अलावा मिलेगी आपको चार्ट बुक तो इतनी काम आएगी रिवीजन के टाइम पे, मजा आ जाएगा। मतलब मेरे को ना बहुत सारे दिल भेजोगे, देखना तुम लोग भेजोगे, मैं बता रहा हूं। फिर एएस ट्रंप, इस बार मैंने एएस ट्रंप न्यूज सर्विस की मैंने पूरी चेंज कर दी है, पूरी तरीके से मैंने एएस ट्रंप चेंज कर दी है, और बहुत अच्छी अच्छी चीजें मैंने इसमें एग्जांपल्स डाले। तो ये आपको तीनों किताब मिलती है, ये 3 वॉल्यूम है, ये 1 है, और ये इसके 2 वॉल्यूम है। रेगुलर में भी यही मिलता है और एग्जाम ओरिएंटेड में भी है। और जो भी मेरे नोट्स होते हैं, ये वाले कहाँ गए, ये वाले जो जितने भी नोट्स होते हैं, ये हैंड रिटन नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलेंगे, अगर आपको क्लास के बाद बैठ के लिखना है तो। चलिए ये भी डाउट खत्म। फिर सर अभी तक करंट स्टेटस क्या है योगा? भाई साहब करंट स्टेटस बहुत जबरदस्त हो गया है। AS20 करवा लिया, AS11 करवा दिया, AS15 करवा दिया, AS7 करवा दिया, AS12 करवा दिया, AS25 करवा दिया, AS27 करवा दिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर करवा दिया, बायबैक करवा दिया, कंसोलिडेशन करवा दिया, ब्रांच अकाउंट भी हो गया, ठीक है। मतलब अच्छा खासा स्टेटस हो चुका है। आज के दिन पर मेरा अमेल कमीशन शुरू हो चुका है, अमेल कमीशन करवा रहा हूँ। हाँ सर, ठीक है सर, फिर ठीक है। मतलब अच्छा खासा सर आप करवा चुके हो, मतलब हम अपने पेस के हिसाब से कर सकते हैं। अरे बढ़िया, जबरदस्त, अच्छे से। सर लाइव करें कि रिकॉर्डेड करें? देखो मैं आपको बोलूंगा कि रिकॉर्डेड में अगर डिसिप्लिन है तो बेस्ट है, रिकॉर्डेड करो और सीक्वेंस में करो। सर सीक्वेंस में करें कि पहले इंपॉर्टेंट करें? अरे यार तेरे को क्या करना है इंपॉर्टेंट, नया सिलेबस है, तेरे को क्या पता है इंपॉर्टेंट क्या है क्या नहीं है, क्यों हीरो बन रहा है? सीधा सीधा रिकॉर्डेड अगर करना चाह रहे हो डिसिप्लिन में, पहले लेक्चर से करो, कोई बीच में मत करो। सर हम अगर लाइव आना चाहते हैं तो पहले तो आके तुम ना टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, इस बैच का टेलीग्राम, तभी ज्वाइन कर पाओगे जब तुम लेक्चर परचेज करोगे। तो टेलीग्राम में तुम्हें मालूम पड़ जाएगा कि कौन सा चैप्टर चल रहा है, कब से जैसा नया चैप्टर लेंगे, तो अपनी क्वेरी डालोगे तो शायद मैं रिप्लाई करूंगा तो कोई और रिप्लाई कर देगा, तो ये चीज हो जाएगी। आई मेरी बात समझ में? तो मुझे लगता है मैंने मोटा मोटी बात तुम लोगों को बता दी है कि सर ईओ के अंदर क्या क्या चीजें होने वाली हैं। ईओ का बैच अवेलेबल है, जितने भी बच्चे ओल्ड से न्यू सर्विस में कन्वर्ट हो रहे हैं सबके लिए 5999 में है। फ्रेशर्स के लिए तो 1000 रुपये ज़्यादा है, पर तुम लोगों के लिए जो भी बच्चे, चाहे मेरे स्टूडेंट हो चाहे मेरे स्टूडेंट नहीं हो, 5999 में मिल रहा है, इंक्लूडिंग हार्ड कॉपी बुक्स जो मैंने अभी तुम्हें दिखाई, ठीक है। पर याद रखियो बेटा ये डेट को याद रखियो, बाद में मत कहियो कि सर मैंने सोचा था, मैंने ऐड टू कार्ट करके रखा था, फिर तकलीफ हो गई सर, ऐड टू कार्ट करके रखा था फिर तकलीफ हो गई सर, सर मैं नहीं कर पाया सर, प्लीज सर। मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा नहीं हो पाएगा फिर। तो ये तुम्हारे लिए पूरा कंफ्यूजन मैंने क्लियर कर लिया, आई होप आई बिलीव आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब बस बेटा तुम्हारी ड्यूटी है लेक्चर लेना, मैं बैठा हूं सब करवा लूंगा, साथ साथ बीच में गाइड करते रहूंगा मैं, एक दो बीच में जूम मीटिंग भी रखूंगा, बीच में टेस्ट भी लूंगा रे तुम लोगों का, रे टेस्ट भी लूंगा, हाँ टेस्ट का तो एक सेपरेट पोर्टल भी बनवा लिया है मैंने, टेस्ट भी लूंगा, सब चीजें बताऊंगा, बस तुम लोगों को पढ़ना है। जितनी मेहनत तुमने पिछली बार में की थी उसका डबल मेहनत तुम्हें करनी है, और मैं उसके साथ तुम्हें तुम लोगों के साथ तुम्हारा साथ देने को तैयार हूं, ठीक है। थैंक्स अलॉट गाइस। अगर आपको लगता है कि आपके डाउट्स क्लियर हो गए तो प्लीज अब वापस से व्हाट्सएप पे अपने सेम डाउट्स मत पूछना, कुछ नया डाउट हो तो जरूर पूछना, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछना या फिर व्हाट्सएप मुझे कर देना, ठीक है। अगर लगता है कि ये वीडियो तुम्हारे काम का था तो यार कम से कम चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, लाइक करके जाओ, और अपने किसी फ्रेंड के साथ भी शेयर कर लो। यार तुम्हारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो रो रहे हैं, कहीं और से पढ़ लिए थे पर उनको नहीं समझ आया, भाई उनको भी रिकमेंड करो यार, क्या कर रहे हो यार तुम लोग, है ना। चलो ऑल द बेस्ट।